का यही है वो आदमी। हाँ
से नजदीक वाले पुलिस स्टेशन की तरफ चलो, वो जरूर पुलिस स्टेशन जाएंगे और हम पुलिस स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करेंगे। गुड। शेखर ने टेलीफोन किया? जी हाँ, मैंने खुद उससे बात की है। इम्पॉसिबल, उसे क्या जरूरत है तुम्हें टेलीफोन करें? एसपी साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कर सके लाइन कट चुकी थी। वो देखो, चलो आदमी के इशारे पर चलाई गई है जिसने एडिटर श्रीवास्तव का खून करवाया है, जिसने हवालात में कैदी शेर सिंह को कत्ल करवाया है। क्या बकते हो? काम नहीं, मैं सच कहता हूं एसपी साहब। गिरफ्तार कर लो, भागने न पाए। भागना होता तो यहां क्यों आता? पहले भी तो भाग चुके हो। तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूं। मुझे पता मिल गया है कि असली मुजरिम कौन है। कौन है? सेठ धर्मदास। धर्मदास, तुम्हारे होश ठिकाने हैं? काम नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस लड़की के होश में आते ही आपको सबूत मिल जाएगा एसपी साहब। काम नहीं। एम्बुलेंस का इंतजाम करो। काम नहीं। शेखर, अगर इस लड़की होश नहीं आया तो जानते हो क्या होगा? अब तुम यहां से भाग भी नहीं सकते। अब कैसी हालत है डॉक्टर साहब? अब तक बेहोश है, गोली निकल चुकी है मगर खतरा अभी तक। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका बयान बहुत जरूरी है। उसकी जान उसके बयान से बहुत जरूरी है। आज की रात इसके लिए बहुत नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। बात सूझी एसपी साहब, अगर हम अखबार में ये छिपवा दें कि कामिनी की हालत सुधरने वाली है, सुधरने वाली है, और वो पुलिस को अपना बयान देने वाली है, तो मेरा ये
हम सब की मौत का ऐलान है। लिखा है कामनी की हालत सुधर रही, वो होश में आते ही बयान देगी। लेकिन वो होश में आएगी? सुनो, तुम्हें आज ही अस्पताल जाना होगा। सोच क्या रहे हो? ये लो पेश की, काम होने पर मुंह मांगी फीस मिलेगी। डरते हो कोई पकड़े ना जाओ? अगर पकड़े भी गए तो क्या हुआ? यही दो चार बरस की जेल होगी और क्या। जेल के रास्ते में हवालात पड़ती है और हवालात में आदमी मर भी सकता है। बुज़दिल, कमीने, नमा खराब। हो गया? जी हाँ, लड़की को 13 नंबर से 15 नंबर में तब्दील किया जा रहा है। नंबर में इंतजार करेंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं, मैं शाम के 8 बजे तक इंतजार करूंगा। मालूम था अस्पताल में कोई आने वाला नहीं है, और सरकारी वकील ने सही कहा था, यह खूनी तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। चलो शेखर, एक फर्जी कातिल के लिए मैं तमाम जिंदगी इंतजार नहीं कर सकता। चलो। हेलो, कोई आदमी मिस कामिनी के रूम के बारे में पूछ रहा था। तुमने कौन सा नंबर बताया? रूम नंबर 13। गुड, वारा है।
I'm sorry. कमरा नंबर 15 शेख हसन, तुमने कानून की बहुत बड़ी खिदमत की है, लेकिन तुम्हारा यूं भाग जाना गैर कानूनी था। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बहरहाल जहां तक हो सके मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। गुड लक टू शेखर। मैं अपना बयान देना चाहती हूँ।